गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हम सभी भी अच्छे हैं। और सुबह उठ के सब खा रहे हैं खाना। खाने में बनाया है आज साग और रोटी, मक्के की रोटी है, सरसों का साग है और हमारा लंच भी पैक हो चुका है। और इधर पापा मम्मी और दादी जी खा रही हैं खाना। और मम्मी जी बना रही हैं त्रिकोण वाले पराठे। त्रिकोण पराठे बड़े अच्छे लगते हैं और साथ में गर्मा गर्म चाय तो वाह जी वाह मज़े आ जाते हैं। सारे शायद मम्मी ने सारे नहीं बनाए, त्रिकोण ने कुछ गोल भी बनाए हैं जैसे कि ये। और लीजिए दोस्तों, हमने अपना बैग पैक कर लिया है, सब कुछ खाने वाने का सामान रख लिया है, पानी रख लिया है, बस हम निकलने को रेडी हैं। जैसे ही पापा जी का ब्रेकफास्ट ओवर होता है बस निकलते हैं और फिर चलते हैं अपनी शॉप पर। और अब पारस और पारुल अक्षिता को लेकर जा रहे हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि इसका फीवर कभी उतरता है फिर चढ़ जाता है, फिर उतरता है फिर चढ़ जाता है। तो बस ये पहुँचने वाले हैं और डॉक्टर साहब को बताएंगे भी ऐसे ऐसे हो रहा है, तो देखते हैं क्या करते हैं। और ये देखिए क्लिनिक पे पहुंच गए हैं, अब अंदर जाएंगे और बात करते हैं। और ये अंदर आ चुके हैं, रिसेप्शनिस्ट है। इधर पारस और अक्षिता बैठ गई हैं और डॉक्टर का कैबिन उधर है साइड में, जो वो कांच वाला ग्लास था, तो वहाँ से जाएंगे। अभी पहले पर्ची कटेगी फिर उसका अकॉर्डिंग नंबर लगेगा। और ये अक्षिता का नंबर लग गया है और पारस की गोदी में बैठी है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं जीभ निकालो इसकी, अरे निकाल नहीं रही, कहने पे तो बिल्कुल नहीं करती है, और जो निकालेगी अपनी मर्जी से तो निकालती रहेगी। बात करेंगे, बता रहे होंगे कि क्या प्रॉब्लम है। और ये देखो इसको लिटा दिया है यहाँ पे, चेक कर रहे हैं डॉक्टर साहब। अरे बाहर भाग गई थी तो इसे लेने गए हैं, ये आ गई मेरी गुटको सी। और अब आ गए हैं घर अक्षिता को लेकर और इसकी दवाई सब भी रखी हैं। अब डॉक्टर साहब ने बोला कि 3 दिन की दवाई है, अगर फिर भी बुखार चढ़ता है तो इसका टेस्ट करवाना पड़ेगा, टाइफाइड मलेरिया जो भी हो, अगर कुछ निकला तो फिर उसके अकॉर्डिंग दवाइयाँ चलेंगी। तो अभी तो 3 दिन की दवाई दी है, देखते हैं आगे क्या होता है।